मैं यार बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और हम लोग चुनावी मुद्दा को दिखाने के लिए और राह चलते हुए हमें मिले हैं तापेश्वर महतो जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा अध्यक्ष हैं। जो विकास हमारे माननीय स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो ने किए हैं वो देखने चीज है। चुनाव जीतते ही सबसे पहले यहाँ के जनता के लिए देवी कॉलेज इंटर कॉलेज का स्थापना किए हैं, इसके बाद आपका ITI कॉलेज खोल दिए हैं, इसके बाद अभी बेबी देवी हम लोग को शिलान्यास किए हैं डिग्री कॉलेज का। किस आधार पर वो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है देखने जो हर मोर्चे पे भी कौन मोर्चा में सब मोर्चा में हम लोग यानी आपका सक्सेसफुल हैं। उनका कहना गलत है, उनका जो सांसद है चार साल में उनका कार्यकाल में क्या हुआ है, चार साढ़े चार साल के दरमियान में CP चौधरी हम लोग के बीच में क्या किए हैं वो आप बताइए ना। सुदेश जी से कहना चाहते हैं कि आपके सांसद जी चार साल में साढ़े चार साल में क्या किए हैं, एक ईटा रखने का काम नहीं किए हैं। इस चुनाव में उपचुनाव में ये कहीं ना कहीं 2024 का लोग कह रहे हैं कि सखानंद है और यहाँ पैसों का बड़ा खेल हो रहा है। चूल्हा प्रमुख के नाम पे मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि 1500 रुपया, कहीं हम जो पता कर रहे हैं लोग सूत्र से जो बता रहे हैं तो 1500 नहीं बल्कि 2500 तक ये बात सामने आ रही है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। उन लोगों का कहना है कि देखिए ये लोग 500 रुपया दे के झंडा उतारवाते देते। देखिए उन लोगों का झंडा नंडा पार्टी है, कहीं भी देखिएगा घर में झंडा नहीं मिलेगा, कहीं भी देखिएगा एक जगह लगा देगा 15 गो 20 गो झंडा लगा देगा। हम लोग का देखिए जहाँ भी झंडा लगा है हर एक कार्यकर्ता के घर में लगा हुआ है झंडा, हर एक वोटर के यहाँ झंडा लगा हुआ है। उन लोग बोल रहा है चूल्हा प्रमुख, चूल्हा उन लोग के कोई भी क्षेत्र चल जाए उनका कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी बोल रहे चूल्हा प्रमुख कि चूल्हा प्रमुख के नाम पे काम दिया जा रहा है। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि चूल्हा प्रमुख उनके माने आप क्या बोलते हैं किसी भी आप पंचायत चल जाइए उनका कार्यकर्ता कहीं भी नहीं है। उन लोग वही चूल्हा प्रमुख करके वही लेडीज सबको सखी मंडल सबको पैसा दे के ही उन लोग काम करवा रही है। प्रशासन कहाँ सोई है इस तरह का पैसा का जब बात सामने आ रही है? प्रशासन मुस्तैद है, कहीं भी अभी उन लोग का दाल नहीं गल रहा है, कहीं भी जा रहा है तो उन लोग आपका पब्लिक निकाल दे रहा है जगह जगह से, उन लोग को सभा नहीं करने दे रहा है। एक आंदोलनकारी है करण महतो जी जिनका हमने कल वीडियो बनाया था, लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि जगन्नाथ बाबू का हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं क्योंकि 1932 का नाम सबसे पहले इन्हीं ने लिया था और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जसोदा देवी के समर्थन में उतर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं 1985 के पक्षधर रहे हैं। जिस समय रघुवर दास 1985 झारखंड में लागू किए थे हम भी आंदोलन में हैं, मंत्री जी के साथ हम लोग थे और 1985 के विरोध में हम लोग हर एक जगह आपका फुसरो से लेकर आपका डुमरी तक चक्का जाम था 85 के विरोध में। और सबसे पहले हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने 1932 का बात किए थे और उसके लिए यानी क्या बोलते हैं जेल भी गए, आवाज़ भी उठाए, यानी सब चीज़ में आपका भागीदारी रहा हमारे मंत्री जी। सर बाबू आप महतो समाज से हैं और दोनों कैंडिडेट महतो का है, एक कैंडिडेट का प्रमुख हेमंत सोरेन जी है, एक कैंडिडेट का प्रमुख सुदेश महतो जी हैं, ये महतो वोट कितना है और इनका कितना पोलराइज होगा? ये देखिए महतो वोटर जी यहाँ पर आपका नावाडी प्रखंड में है, 70% वोट आपका हमारे बेबी देवी के ही पक्ष में जाएगा। महतो का नाम क्या हुआ? एकदम बड़ा चिकना लग रहे हैं, बड़ा खूबसूरत भी लग रहे हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। हमारा नाम हुआ सौरभ भट्ट, मैं बोकारो जिला का सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ और वर्तमान में भी खरपिटो पंचायत का प्रभारी नियुक्त हूँ जिला से। क्या लगता है कि इस बार आईसू को आप लोग जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं? जबरदस्त नहीं, जबरदस्त इसको इस बार पटकानी देने का काम करेंगे हम लोग। लास्ट चुनाव आपके याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, 2019 का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ
कि पिछला जो सेशन रहा है, पिछला बीजेपी और आजसू का गठबंधन का तालमेल नहीं था, जिसमें शायद सुनिए हम मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार आप देख सकते हैं पूरा डुमरी में कहीं भी बीजेपी का कहीं कोई कैडर नहीं है, ना कोई आ रहे हैं, ना कोई जा रहे हैं, ना कहीं आपको दिखेगा। सिर्फ सुदेश महतो चूल्हा प्रमुख के नाम पर महिलाओं को टोपी पहनाकर एन केन प्रकारेन मैंने वोट को बिखराव करने का काम कर रहा है। लेकिन ये रामगढ़ नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये डुमरी है। और टाइगर जगन्नाथ महतो ने यहाँ चार चार बार राज किया है, और डुमरी की जनता ने ही उसे टाइगर यहाँ झारखंड का बनाने का काम किया है। इसलिए कहीं कोई शंका नहीं है, हम लोग 2024 का शंखनाद यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग जनता ने ही कहा है, हम लोग 1,00,000 पार करेंगे, और निश्चित तौर पर 8 तारीख को विजय हासिल करने जा रहे हैं, और 1,00,000 पार का नारा के साथ हम लोग जीत विजय करेंगे। तो अपन भालोगे के सुनलक हमरा कर सोशल मीडिया जिला प्रभारी के आर खेते तो भोजना हो गई, आप भालोगे के तरणी जाना है। और कहीं ना कहीं आजसू और बीजेपी के जितना वोट हलै लास्ट टाइम में टक्कर के तो बात है, लेकिन ये सब जेएमएम के लग तो ये सब के बात तो नहीं सुन टक्कर कहीं कहीं टक्कर नहीं है जी भैया कहीं नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हैं चक्कर में एकदम पूरा माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सुदेश जी को कह देता हूँ कि वो पुनः सिल्ली चले जाए, अपना सिल्ली संभाले, क्योंकि अब अमित महतो भी उतर रहे हैं मैदान में, इस बार वहाँ सिल्ली से भी उनको भगा देगा, इसलिए अपना जगह को वो अपना बचाए कि अपना कहाँ जाने का रास्ता अपना ढूंढे, कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 8 नहीं, हम तो कहते हैं कल ही वो निकल जाए यहाँ से सिल्ली की ओर। तो ये हमारे बीच में अभी अभी एक बढ़िया नेता जी बैठे हैं। अच्छा एक बात हमारा बताओ, तोर सरकार पे हमेशा ये आरोप लगा है कि हड़िया दारू के सरकार लो। देखें सबसे पहले तो तोर ग्रामीण टीवी के हमर बटेले धन्यवाद रहते है। आर जेटा ब्लेम लगव है हड़िया दारू, झारखंडे पूरा प्रदेश जो है ने हड़िए दारू के प्रदेश है, ए खातिर हड़िया दारू कौन सेवन नहीं करता है भाई है? अभी अभी हम लोग यहाँ जो बैठे हैं यहाँ भी एक दूगो होगा तो हड़िया दारू पीने से कोई मतलब मुद्दा नहीं ना, ये कोई मुद्दा नहीं, हड़िया दारू कोनो मुद्दा ले बाप, यहाँ जे आवे हैं ना आर सब हथिन 6 कैंडिडेट डुमरी विधानसभा में कोई मुद्दे न पाव है, जंदे जीवर बछा चला जगन्नाथ महतो हम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एते विकास कर ल है ने कि मुद्दा पैबे न कर रहा तो कि 18 साल में 19 साल में की कर ले कुछ नहीं कर तो हम 18 19 साल कहाँ गिर बाबू के जगन्नाथ बाबू तू उठा तो देखे चीज है रे भाई बोलने की हते उठा देख तो है क्षेत्रवा घूरे हैं है? अरे खुद हमने कल जो है विजय हंसदा के साथ घूर हली विश्वास नहीं कर मैं मने रोड इतना नेता जे हमनी बनव ही कोनो केकरो घर चलवे हार जोते खातिर नेता नहीं बनव ही, नेता हमनी बनव ही अपना क्षेत्र को विकास करने के लिए। और जगन्नाथ बाबू हम तो कहबे कि हमरा नहीं लगे है कि 81 विधानसभा क्षेत्र में एगो विधानसभा यह डुमरिए हो कि इतना विकास भेले, जैसन हम हमर नज़र से हम देख आरो हम के बहुत विधानसभा घूर के मौका मिल रहा है, लेकिन इटा जे डुमरी विधानसभा जे देख 18 साल 17 साल जे बोला थे तू देख ले अपन आँख से। तो ये थे गुनू हंसदा रंझे मंझे वक्ता हैं, इनकी बात आप लोग सुन रहे थे, हर लाइन में कहीं ना कहीं अर्थ इनका अजीबोगरीब था, और हम क्या इनका इनके इनके लिए हम तारीफ करें, मेरे पास शब्द नहीं है। विकास किए हैं रोड का विकास किए, आज 4.5 साल में उनका एक योजना का वो रिपेयरिंग करने नहीं सका है सीपी चौधरी में 4.5 साल में, जितना रोड बनाए हैं हमारे मंत्री जी में उसका एक भी काम आप बता दीजिए कि सीपी चौधरी उसका रिपेयरिंग करवाए होंगे सो।
वो यहाँ पर ठगने का काम किए हैं। गजब का क्रेज आप लोग देख रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, और कुछ लोग कहीं ना कहीं इस चुनाव को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं, आरोप लगाने में लगे हैं, लेकिन वास्तविकता जब आप यहाँ कर देखेंगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। जय झारखंड।